नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 38 दिनों तक जंतर मंतर पर चला पहलवानों का धरना भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पहलवानों के हक की लड़ाई में खाप महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल्द किसी बड़े फैसले तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बीजेपी आलाकमान ने अब ब्रजभूषण को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ब्रजभूषण ने अपनी सभी रैलियां रोक दी हैं। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर से निकला पहलवानों का प्रदर्शन अब अहम मोड पर पहुंच गया है। पहलवानों को न्याय दिलाने को लेकर महापंचायतें आयोजित हो रही हैं। किसान संगठनों ने बीते शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में महापंचायत की। वहीं अब इस आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लेने के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि एक ओर तो पहलवान है जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी के आरोपी सांसद ब्रजभूषण है जो बार बार खुद की बेगुनाह होने की बात बोल रहे हैं। ब्रजभूषण पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके ऊपर लगा एक भी आरोप सही साबित हो गया तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। उधर किसान आंदोलन से नायक बनकर उभरे किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। टिकैत आंदोलन को आधार बनाकर ब्रजभूषण की कमजोर नब्ज दबाने की पूरी कोशिश में डटे हैं, जिसके लिए वे बार बार सरकार को धमकी दे रहे हैं। सरकार से यही है कि निर्णय ले लो, जो पशुओं की धाराएं हैं, हमने एक ही सवाल है, आप सभी कोई पूछे एक ही सवाल है कि इससे पहले भी किसी पे धाराएं लगी, गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई, या आज्ञा कानून बना दो, क्योंकि कानून बनाने में तो माहिर है ये भाई, कानून बना दो किसी की भी गिरफ्तारी पहले नहीं होगी जांच होगी, हम फिर भी इनको मनाएंगे, लेकिन हम एक मौका इनको दे रहे, बात कर लो हमारे लोगों से। उधर मामले को गर्माता देख बीजेपी के आलाकमान ने कुश्ती महासंघ के आरोपी अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगाम कस दी है। आलाकमान ने ब्रजभूषण को इस मामले में चुप रहने की नसीहत दी है, जिसके बाद ब्रजभूषण ने अयोध्या की अपनी जन चेतना रैली भी रद्द कर दी। उनकी ये रैली आज होनी थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि प्रशासन की अनुमति न मिलने की वजह से उनको इस रैली को रद्द करना पड़ा है। उनकी इस रैली में 11 लाख लोगों के जुटने की बात भी कही गई थी, लेकिन बीते शुक्रवार को खुद ब्रजभूषण ने इस रैली को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। माना जा रहा है कि पार्टी के आदेश के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि विपक्ष के हंगामे और पहलवानों की मांगों के बीच बीजेपी इस मामलों को और बढ़ाने के मूड में नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेता इस बात से वाकिफ हैं कि अगर ये मुद्दा इसी तरह तूल पकड़े रहा तो इसके नकारात्मक प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में दिख सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है जब खिलाड़ी अपने हक के लिए मेडल बहाने गंगा तक पहुंच गए, वो मेडल जो उन्होंने ओलंपिक समेत कई प्रतियोगिताओं में जीते थे। बहरहाल अभी ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहलवान ब्रजभूषण को जेल भेजने के लिए पूरी तरह से लामबंद है, जिन्हें खाप पंचायतों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले ही दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा गठित कमेटी की जाँच कब तक पूरी होगी और दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, जिसके बाद ही इस मामले में तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।